पुलिस जहां अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपनी व्यस्तता से समय नहीं निकाल पाती, वहीं चमोली पुलिस ने चार धाम यात्रा व्यवस्था हो या फिर यातायात के साथ एक ऐसा कार्य किया है जिसे सभी पुलिस के कार्य से इस ओर प्रेरित हो रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर चमोली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक तृप्ति भ्रष्ट की अगुवाई में गोपेश्वर में हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन गांधीपति पुरस्कार विजेता पर्यावरणविद चांडी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया। हर्बल गार्डन में ऊंचाई वाले स्थानों पर पैदा होने वाले औषधियां, जड़ी बूटियां और केसर जैसी बहुमूल्य पदार्थ का उत्पाद करवाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया, पुलिस द्वारा लगभग 350 ग्राम केसर तैयार किया गया है, जिसका मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। पुलिस उसे वैध तरीके से बेचकर उससे प्राप्त लागत को पुलिस कल्याण निधि में जमा कराएगी, लगातार इस पहल को आगे बढ़ाएगी। पुलिस के पास इससे राजस्व भी बढ़ेगा। जनपद चमोली में पुलिस की जमीन में हमने गंदगी और अतिक्रमण हटा के 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैग्सेसे प्राइज अवार्डी चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराया था। जो हर्बल गार्डन है, इसके पीछे संकल्पना ये है कि हमारे पुलिस विभाग के लिए एक राजस्व के स्रोत के रूप में इसको डेवलप करके इसमें लगभग 350 ग्राम से अधिक हमने केसर उगाई है, जिसकी नीलामी की जा रही है और जो भी आय इससे प्राप्त होगी उसको सरकारी कोष में जमा करके पुलिस कर्मचारियों के कल्याण हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।